यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर वो परशुराम जी की प्रतिमा लगाई गई है, जिसका कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उद्घाटन करना है। ये उसकी हम पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, मुकदमे आप कितने भी हम पे कर लें, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। भगवान श्री परशुराम की ये मूर्ति जो अब स्थापित हो चुकी है, जिसकी यूपी की राजनीति में बहुत चर्चा थी। थाने की फोर्स कई सिपाहियों के साथ, एक एनबी सिंह दरोगा और जो लम्हुआ का मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। राम, परशुराम, कृष्ण और काशी, अब बारी थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। 21 दिसंबर को लखनऊ के मोहनलालगंज में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाती है। ये मूर्ति समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने लगवाई है। जिस गांव में परशुराम की मूर्ति लगाई गई है उसका नाम है महुरा कलां। ये गांव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बगल में स्थित है। अब खबर ये है कि संतोष पांडे के घर यूपी पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के धावा बोल दिया। संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि स्थानीय थाने की पुलिस हथियारों के साथ उनके घर में घुस गई। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उन्हें धमकी भी दी। थाने की फोर्स कई सिपाहियों के साथ, एक एनबी सिंह दरोगा और जो लम्हुआ का मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में घुस जा रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, आपके पास कौन सी नोटिस है जिस आधार पे आप जो है मेरे घर में चले आए और पुलिस वेपन्स लेके आप डरा और धमका रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने वहां ये कर दिया है, आपने वहां ये कर दिया, ये ठीक नहीं है, मैं ये ठीक कर दूंगा। मतलब जो पुलिस की धमकी देने की शैली होती उन्होंने मुझे दिया। संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के तहत उनके घर पुलिस भेजी गई। संतोष ने कहा कि स्थानीय बीजेपी विधायक मेरी लोकप्रियता से चिढ़े हुए हैं, इसलिए साजिश के तहत उन्होंने मेरे घर पुलिस भेजी। मौजूदा जो हमारे यहाँ लोकल विधायक है देवबड़ी द्विवेदी बीजेपी का, वो फ्रस्ट्रेशन में आके मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, उसको अपनी हार का भय सता है, तो वो खड़यंत करके, अभी मैंने सुना कि उसने सुल्तानपुर में प्रेस की है और ये बताया है कि तमाम मेरे ऊपर अनलीगल आरोप लगा रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसके जो विधायक हैं, ये साजिश करके मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। संतोष पांडे ने भगवान परशुराम की जो मूर्ति लगाई है उसका लोकार्पण करने के लिए अखिलेश यादव महुरा कला जाने वाले थे। हालांकि अखिलेश यादव किस दिन जाएंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे पहले कि अखिलेश वहां पहुंच जाते, पुलिस ही संतोष पांडे के घर पहुंच गई।